नमस्कार दोस्तों, आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और बिल्कुल, कल तो खूब बरसात हुई। और बताइए मुझे कमेंट करके किस किस के यहाँ कल खूब बारिश हुई। और सुबह जब मैंने पौधों को देखा तो उनकी रंगत ही अलग थी। और दूसरा दोस्तों, जो नॉर्मल फ्लावरिंग होती है उससे ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी। और अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा रेन वाटर होता है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए खाद का काम करते हैं। और दूसरा, फूल इसलिए ज़्यादा खिलते हैं क्योंकि रेन वाटर ना थोड़ा सा एसिडिक होता है जो कि फूलों को खिलाने में मदद करता है। तो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लूमिंग होती है बरसात के बाद, और ज़्यादा ग्रीन कलर नज़र इसलिए आता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसलिए हमारे प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं वो आमतौर पे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रेन वाटर में होते हैं। अब आते हैं जी, बरसात तो हो चुकी है, अब आते हैं एक पौधा भी ले लेते हैं कि कौन सा प्लांट है जो आप इस मौसम में उगा सकते हो, और अगर आपके पास है तो आप उसको और कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि हम दोस्तों रेड जोन में अभी, और हमारे यहाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, कुछ कंडीशंस के साथ निकलना है। और बस फिर घर में रह के ना इस तरह से आप नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्लांट होता है लेकिन हमें उसे बढ़ाना भी नहीं आता, उसके एक प्लांट के ज़्यादा प्लांट बनाने नहीं आते, जो होता है बस वही होता है। तो ये वीडियोस आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होती हैं क्योंकि अगर आपके पास एक भी प्लांट है, कोई भी आपके पास ब्रांच है टूट गई है ना, जो भी आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है उससे आप नए नए प्लांट बना सको। तो ये है दोस्तों मैक्सिकन पेटूनियास के प्लांट। ये वाइल्ड वैरायटी नहीं है, ये हाइब्रिड वैरायटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी पहचान यही है कि ये नीचे 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 ग्रो करेगा गमले के साथ साथ। और जो हमारी वाइल्ड वैरायटी कह लो या देसी वैरायटी कह लो, वो लंबाई में ज़्यादा होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे दिखते हैं। तो इसके पत्ते भी बहुत सुंदर होते हैं, और इसमें से जब ये बंच में फूल खिलते हैं ना, वो एक तो मेरे पिंक शेड दिखाया था, अभी आपको ये पर्पल है। और लगाने का तरीका दोस्तों इतना आसान, बस पूछो नहीं। आप अगर इसको लगाना नहीं जानते तो बिल्कुल आराम से लगा लोगे, चाहे आप बिगिनर भी हो। और जिनको आता है लगाना उन्होंने तो बहुत सारे खैर बना ही लिए होंगे। और ये दोस्तों जो भी आप देख रहे हो ना, मैंने ऐसी ही कटिंग छोटी छोटी निकाल के लगा दी थी, और ये भी देखो कितने सुंदर फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों गर्मियों में तो फ्लावरिंग हो इस तरीके से, और इस तरीके से आसानी से प्लांट तैयार हो जाए तो बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों ये इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट के उसमें दर्ज है ये, कि बहुत जल्दी से ग्रो करता है ये। और दूसरा दोस्तों ये भी बात है कि जो भी आप इसको माहौल देते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम पानी देना भूल जाते हैं ड्राउट कंडीशंस में, तो भी आपका प्लांट कभी नहीं मरता। लेकिन हाँ, इसे पानी पसंद है, लेकिन आपका प्लांट गर्मी बर्दाश्त कर लेगा, सूखी मिट्टी भी बर्दाश्त कर लेगा, ये मरेगा नहीं। और कटिंग दोस्तों जब इसकी लगाते हैं तो जो उस पर थोड़े से पत्ते आप छोड़ते हो वो थोड़े दिन बाद शायद मर जाएं, लेकिन ये आपकी जो कटिंग है वो कभी नहीं मरती, और आपने उस कटिंग को निकालना नहीं है। थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसमें नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैं कईयों से पता करती हूँ कि वो क्या करते हैं कि लगाते हैं और थोड़े दिन बाद जब उसके जो पत्ते आप छोड़ देते हो ना, या उसकी कटिंग थोड़ी सी सूखी सूखी नजर आती है आप निकाल देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। इसके नीचे से दोस्तों ग्रोथ शुरू हो रही होती है, तो कटिंग लगा के ना थोड़े दिन वेट किया करो, और थोड़ी सी पेशेंस रखा करो। ये नहीं कि आपने आज कटिंग लगाई सोचो 4-5 दिन में मेरी कटिंग तैयार हो जाएगी, नए नए फूल खिलेंगे पत्ते आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। तो ये मैं आपको सारे हाइब्रिड वाले कलर दिखा रही हूँ, पहले पिंक दिखाया था, पर्पल दिखाया, अब ये व्हाइट है। तो मुझे तो यही तीन कलर पता है और मैंने देखे भी यही तीन है, और इन्हीं की दोस्तों मैं कटिंग मिक्स एंड मैच कर करके लगाती रहती हूँ, या मैं इस तरीके से भी करती हूँ। वाइल्ड वैरायटी ऊपर की तरफ लगा देती हूँ, ऊपर की तरफ बढ़े और नीचे ये अपने गमले में तैयार होते रहते हैं। अभी मैं आपको इसको लगाना भी सिखाऊंगी, मैं इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगाती रहती हूँ दोस्तों, और मेरा बहुत फेवरेट प्लांट है। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, जैसा कि ये गमला भर ही लेता है, तो ये देखो यहाँ से एक कटिंग तोड़ के मैंने लगाई थी, मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया भी था। चलो आपको लगाना सिखाती हूँ कैसे आपने कटिंग तोड़नी है, ऐसे नहीं तोड़नी बीच में से। आपने क्या करना दोस्तों, जो आपके मेन स्टेम है ना, जैसे मेन स्टेम है ये देखो, जैसे ये मोटी मेन स्टेम है, इसमें से ये छोटे छोटे निकले हुए हैं है ना, इनको ऐसे ही बीच में से नहीं तोड़ना आपने। आपने मेन स्टेम से जहां से ये कटिंग आपकी निकल रही है ना,
देखो ये ऐसे करके यहीं से तोड़ना है बस आपने, जो नई कटिंग निकल रही है आपकी, न मतलब नई ग्रोथ निकल रही है आपकी, ये देखो यहाँ से तोड़ के घुमा घुमा के तोड़ना है। तो इसके हम नीचे वाले पत्ते हटा देते हैं। तो मेरे हाथ में, एक हाथ में अभी कैमरा है, मैंने वो होल्डर नहीं पकड़ा हुआ, होल्डर नहीं लिया हुआ, ऐसे ही वीडियो बना रही थी मैं हाथ में लेके, तो ये समझ जाना आप है। तो इसको नीचे वाले पत्ते हटा देते हैं हम, ये आराम आराम से हटा देती हूँ मैं। तो ये है तरीका दोस्तों मैक्सिकन पेटोनिया को लगाने का, और यही तरीका आपने वाइल्ड वैरायटी में रखना है, यही हाइब्रिड का है और यही वाइल्ड का है। तो ये देखो ऐसे यहाँ पे लगाई थी, बीच में थोड़ी सी जगह है, ये और तैयार हो जाएगा फिर, है ना, ये भी जगह भर जाएगी। तो ये तरीका है दोस्तों मैक्सिकन पेटूनिया को लगाने का, और इसी तरीके से मैं जगह जगह पे नई नई ग्रोथ सी जो निकलती रहती है, थोड़ी मैच्योर सी लगती है मुझे, इसी तरीके से मैं लगाती रहती हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अपने अपने मैक्सिकन पेटूनिया को और ज्यादा कैसे बढ़ाना है, नई नई इसकी कटिंग कैसे लगानी है। और दोस्तों बहुत थोड़ी सी मिट्टी में ये तैयार हो जाते हैं प्लांट, क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना वो इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती। तो आप इसको छोटे छोटे गमलों में, छोटी छोटी जो आपके प्लांटर हैं डेकोरेटिव, उनमें लगा सकते हो। और ये है दोस्तों जो आप पूछोगे वाइल्ड वैरायटी, ये है दोस्तों वाइल्ड वैरायटी, ये हाइब्रिड, और ये जो नीचे वाला एरिया है वो ये कवर कर लेगा, और ये इसमें अपने आप से कोचिया उग के आ रहा है, कोई बीज गिर गया होगा। तो ये है दोस्तों वाइल्ड, इसकी देख रहे हो ना आप डिफरेंस, देख रहे हो वो नीचे नीचे बढ़ रहा है हाइब्रिड वाला, और ये ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, देख रहे हो। इसमें भी पर्पल कलर के फूल आते हैं, मैंने तो इसमें पर्पल ही देखे हैं, खैर पर्पल ही आते हैं, लाइट से पर्पल होते हैं, ना पिंक होते हैं ना ज्यादा डार्क पर्पल होते हैं, एक लाइट सा पर्पल सा कलर होता है बस। तो इस तरीके से आप भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगा रखा है नीचे वाला एरिया हम हाइब्रिड से भर दें और ऊपर हम लगा दें इस तरह के प्लांट वाइल्ड वैरायटी वाले, तो आपका गमला भी सुंदर लगेगा, गर्मी से भी बचेगा, और दूसरा बार बार आपको पानी भी नहीं देना पड़ेगा, और मिट्टी आप देख रहे हो कितनी नीचे कर रखी है ना मैंने मिट्टी, है ना। इस तरीके से आपने गर्मियों की जो मिट्टी है उसको तैयार करना है, ज्यादा ऊपर तक नहीं ठोक के भरना है, ताकि कुछ देर मॉइस्चर उसमें रहे, पानी दो तो भी थोड़ा सा रहे। और ये मैं अलग अलग जगह पे लगे हुए आपको दिखा रही हूँ, ये दोस्तों मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, और अभी देखो मेरा संभालना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। कितनी ही मैं यहाँ से कटिंग ले जाती हूँ लेकिन फिर ये इतना का इतना बढ़ जाता है, और ये देखो कितना बढ़ रहा है ये, और यहीं से मैं नई नई कटिंग्स निकालती रहती हूँ इसकी, है ना, और देखने में भी कितना सुंदर है ना। कई बार तो दोस्तों हमारे घर में इतने प्यारे प्यारे प्लांट होते हैं और कॉमन से होते हैं, हम उन पे ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जब दोस्तों आप उनको अलग अलग करके लगाते हो ना तो आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, ऊपर कोई लंबाई वाला लगा दो, मैंने तो खैर वैसे ही दिखा दिया आपको वाइल्ड वैरायटी दिखाने के लिए, आप कोई भी लगा सकते हो इसमें, आप ऊपर सदाबहार लगा दो, नीचे ही छोटे छोटे तैयार होते रहेंगे, है ना, ऊपर भी फूल खिलेंगे नीचे भी फूल खिलेंगे, और भी कुछ कुछ लगा दो जो भी आपका दिल करे। तो ये था तरीका दोस्तों मैक्सिकन पेटूनिया लगाने का, क्योंकि मैंने लगी हुई कटिंग तो बहुत दिखाई थी, फिर आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैम इसको लगाएं कैसे, तो ये है तरीका दोस्तों लगाने का जो अभी मैंने आपको दिखाया, बस इसी तरीके से लगाना, ऐसे ही बीच में से कहीं से मत तोड़ देना, मेन ब्रांच से जो नई नई ब्रांच निकल रही होंगी ना उनको ही आपने मेन ब्रांच पे से हटाना है गोल गोल घुमा के, फिर आपकी जल्दी से जड़ तैयार हो जाएंगी। वैसे दूसरे तरीके से भी हो जाती हैं, लेकिन इससे बहुत जल्दी आपका बिल्कुल भी जो कटिंग है ना वो मरेगी नहीं आपकी। और ये एक और वाइट खिले हुए हैं, तो अगर आप तीनों को इकट्ठा करके लगाओगे तो भी कितने खूबसूरत लगेंगे, है ना, वाइट पर्पल लाइट सा पिंक कलर, वो भी सुंदर लगेंगे, उस तरीके से भी आप लगा दो। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप समर के प्लांट तैयार करते हो तो आपके गार्डन की खूबसूरती तो खैर बढ़ती बढ़ती है, ऊपर से ये जो प्लांट्स की कटिंग है ये भी आप वेस्ट होने से बचा लेती हो, क्योंकि कई बार दोस्तों इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है हमारे एक छोटे से गमले में ही, हमें समझ नहीं आता इसको मैनेज कैसे करें। तो यही तरीका होता है प्लांट्स की कटिंग लगाने का, नए नए प्लांट्स ग्रो करने का, और गार्डन को अपने और ज्यादा इंक्रीज करने का, घर में हरियाली इंक्रीज करने का। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये पौधा भी आपको अच्छा लग रहा होगा, और इतने सुंदर सुंदर जो फूल जब गार्डन में खिलते हैं दोस्तों, वाकई में ही गार्डन का मजा आ जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखो नए नए फूल कैसे खिल रहे हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना।
तो बस लगाने का तरीका मैंने बता दिया। अगर आपके आसपास में भी कहीं कैरी में लगे हुए हो तो भी आप एक अद कटिंग लगा सकते हो। और दोस्तों, इन छोटे छोटे जीव जंतुओं का आपने ध्यान रखना है, घर में पानी का कुछ भी भर के रखना है इनके लिए, है ना। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है और ये बीच बीच में बर्फ भी डालते रहे ताकि गर्म भी पानी ना हो, है ना। बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, गर्म हो जाता है पानी। तो बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।